केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 बेटा हम लोग फर्स्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये बात बताई हुई है कि Na2SO4 इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट वाइल NaHSO4 इज़ एन एसिडिक सॉल्ट जस्टिफाई। तो बेटा मैंने आपको बताया था एसिडिक सॉल्ट में कि एसिडिक सॉल्ट ऐसी स्पीशी होती है जिसके पास एक मेटल भी हो, नॉन मेटल भी हो, मतलब सॉल्ट वाली सारी प्रॉपर्टीज़ भी हो और साथ में एसिडिक प्रॉपर्टी भी हो, जैसे कि हाइड्रोजन आयन उसके पास मौजूद हो। तो ये देखें जी, NaHSO4 के पास हाइड्रोजन आयन मौजूद है और ये वाटर के अंदर अपना हाइड्रोजन आयन देने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए ये जो है वो क्या है, एक एसिडिक सॉल्ट है। गिव अ फ्यू करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट की जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पड़ी थी वो आपने बता देनी है कि न्यूट्रल सब्सटेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद होते हैं और क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ आर द सॉल्युबल सॉल्ट्स रिकवर फ्रॉम द वाटर। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के जरिए हम लोग वाटर के अंदर से सॉल्युबल सॉल्ट्स को अलग करते हैं। हाउ आर द इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर, जब दो सॉल्युबल सॉल्ट्स को आपस में मिलाया जाता है तो एक हमारे पास सॉल्युबल सॉल्ट बनता है और एक जो है वो इनसॉल्युबल सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। Why is the salt is neutral? Explain with an example. तो बेटा इसमें आपने एग्जाम्पल देकर बता देना कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपस में मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि उसके पास कोई भी हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड मौजूद नहीं होता और उसके पास सिर्फ एक जो है वो मेटल आयन होता है और एक जो है वो नॉन मेटल आयन होता है। नेम एंड एसिड यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द फूड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में जो सा एसिड होता है, यूजेज ऑफ एसिड में देख लीजिएगा, तो उसका जो है वो नाम आपने बता देना है। नेम द एसिड्स प्रेजेंट इन, अब एसिड्स के नाम बताने हैं जी। जो विनीगर में, विनीगर के अंदर बेटा एसिडिक एसिड मौजूद होता है, एंड स्ट्रिंग जो है उसमें फॉर्मिक एसिड है, सिट्रस फ्रूट्स में इनमें सिट्रिक एसिड है और इस तरह से सोर मिल्क जो है वो एसिड वाले टॉपिक में बेटा एक प्रॉपर जो है वो पैराग्राफ बना हुआ है, पूरा आपने जो है टेबल सा बना हुआ है, पूरा टेबल आपने याद करना है जिसमें बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ के अंदर जो है वो कौन कौन सा एसिड मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ कैन यू जस्टिफाई डैट PbOHNO3 इज़ अ बेसिक सॉल्ट। अब देखें बेटा, PbOHNO3 जो है इसके पास हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद है जो कि वाटर के अंदर ये हाइड्रोक्साइड देने की कैपेबिलिटी रखता है, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं इट्स अ बेसिक सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, के यू आर इन अ नीड ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट, हाउ कैन यू प्रिपेयर इट। बेटा एक एसिडिक सॉल्ट की आपको ज़रूरत है तो आप उसको कैसे बनाएंगे, तो आप पहले एक ऐसा एसिड लेंगे बेटा विच हैव द पोली हाइड्रोजन एटम्स, जिसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स होंगे, मतलब एक से ज़्यादा होंगे, लाइक H2SO4, H3PO4, इस तरह के आप जो है वो एसिड्स लेंगे, उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे बेटा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी और हमारे पास एक साल्ट बन जाएगा, तो उस साल्ट को हम लोग जो है वो एसिडिक साल्ट का नाम देंगे। उसके बाद है जी, विच साल्ट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर द प्लास्टर ऑफ पैरिस। तो प्लास्टर ऑफ पैरिस बनाने के लिए यूजेस ऑफ साल्ट के अंदर हमने पढ़ा था बेटा कि ये देख रहे हैं, यूजेस ऑफ साल्ट में लिखा है कि जो कैल्शियम सल्फेट है ये यूज़ होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्लास्टर ऑफ पैरिस। तो ये अब क्वेश्चन हमारे कम्प्लीट हो गए, तो ये क्वेश्चन हैं ये आपने अच्छी तरह से लिखने भी हैं, उनको याद भी करना।